उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से ही आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अखिलेश सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले आजम खान योगी सरकार में जेल की हवा भी खा चुके हैं। वहीं अब चुनावी मैदान में भी वो बीजेपी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। आजम खान द्वारा उनकी प्रतिष्ठित विधानसभा सीट रामपुर खोने के बाद अब आजम खान पर यूपी प्रशासन का एक और कहर बरपा है। लखनऊ के जिस घर में आजम खान बतौर विधायक रहते थे, सरकार ने अब वो बंगला खाली करने का आदेश आजम खान को सुना दिया है। क्या है पूरा मामला जानते हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की। रामपुर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन यहां से भाजपा ने बाजी मारकर आजम खान को बड़ा झटका दिया है। रामपुर सीट पर कब्जा जमाने के बाद आकाश सक्सेना को आजम खान का सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया है। इस आवास में आजम खान करीब चार दशकों तक रहे। लखनऊ स्थित इस सरकारी आवास को अब आकाश सक्सेना को दिया गया है। दरअसल हेट स्पीच केस में दोषी होने के बाद आजम खान की विधायकी रद्द हो गई है। वहीं उपचुनाव में रामपुर सीट भी बीजेपी के पाले में चली गई। उपचुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी कहे जाने वाले आजम रजा को हरा दिया था। इसके बाद अब राज्य संपत्ति विभाग ने आजम खान के सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर आकाश सक्सेना को अलॉट किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नव निर्वाचित भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को राज्य संपत्ति विभाग ने राजधानी लखनऊ के दारुल शफा में सरकारी आवास आवंटित किया है। राज्य संपत्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को दारुल शफा में मकान संख्या 34B आवंटित किया गया है। अधिकारी ने जानकारी दी कि विधानसभा की यह सामान्य प्रक्रिया है कि किसी सीट के निर्वर्तमान विधायक का आवास उस सीट से नव निर्वाचित विधायक को ही अलॉट होता है। हालांकि अगर नव निर्वाचित विधायक अपना आवास बदलना चाहता है तो उस पर विचार किया जाता है। आजम खान की मुश्किल अभी कम होती दिख नहीं रही और योगी सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आजम खान पर कई केस हो चुके हैं। योगी सरकार का साफ कहना है कि प्रदेश में रहना है तो शराफत से रहिए, नहीं तो यूपी छोड़ के कहीं और चले जाइए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।